नमस्कार, मैं हूं क्षितिजा और आप देख रहे हो BCN न्यूज़ का चुनावी महासंग्राम 2024। आज हम आए हैं इसी के तहत वर्धा लोकसभा क्षेत्र के केरझर इस गांव में, और यहां हम जानेंगे यहां के लोगों से कि वो अपना अगला सांसद किसे देखना चाहते हैं, और आज तक उनके जो सांसद थे वो उन्हें पहचानते हैं, उनके सांसद उनके गांव में आए हैं या किसी तरह का कार्य उनका उन्होंने यहां किया है इन गाँव वासियों के लिए। तो चलो हम जानते हैं केरझर वासियों से, जो कि वर्धा लोकसभा क्षेत्र का एक गाँव है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ गाँव के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या उनको अगला सांसद वो किसे देखते हैं, क्या बताओगे? अगला सांसद आप किसे देखना चाहते हो? अमर काय। अमर काय क्यों? क्योंकि रामदास तड़स ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, एक बार आके नहीं देखा उसने, इसलिए हम अमर काय को चुनाव में जीतेंगे। आप किसे देखते हो आपका अगला सांसद? अमर काय। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने फुकनाड़े बोल के लोगों को चूतिया बना रहे हो, इसीलिए हम अमर काय को चुनते हैं। और कांग्रेस होना हमको, कांग्रेस होना। काका क्या बताओगे, आप किसे देखते हो अगला सांसद आपका? अगला सांसद जो गोर गरीब का काम करेगा, अभी ये ऊपर का घर पीट आ रही, पानी आ रही, हाँ कोई ख्याल नहीं दे रहा, 5 साल से ये आमदार खासदार नहीं आ रहे यहाँ पे, हाँ अभी जिसको हम सोशल लोग है, हम जिसको वोट देंगे ये हमारे समझ में नहीं आता किसको देना करके। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आपके जो अभी के विद्यमान सांसद है उन्हें आप पहचानते हो? हाँ पहचानते, लेकिन आए ही नहीं ना हो यहाँ पे, फिर किसको देना वोट, इसीलिए आप किसको दोगे? अभी देखेंगे, काश्तकार का जो भला करेगा उसको देंगे। किसे आप आपका अगला सांसद देखते हो? सेकंड फेज में आपके यहाँ चुनाव होने हैं। अभी तो चुनाव अट्टी टट्टी की निवणूक ही है, कौन आएगा ये बता नहीं सकते, फिर भी तुतारी तुतारी लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो तुतारी के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं नहीं, आप किसे आपका अगला सांसद देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी का ही और तुतारी को देखना चाहेंगे। दर्शकों, गांव होता है, गांव में एक चाय का दुकान होता है जो नुक्कड़ के नाम से जाना जाता है। नुक्कड़ पे कुछ लोग यहाँ पे है, चाय पी रहे, चाय का स्वाद ले रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो अपना अगला सांसद किसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक काका है, काका किसे देखते हो आप अगला सांसद आपका? क्या अभी? क्या अभी आने वाले? ठीक है, वो भी जो चुनाव हो रहा है अगले 10 साल में, मोदी जी थे अभी जो फाइनल में, अभी अमर काय भी वो कुंजी पार्टी में चालू है, उसके बारे में अभी केरझर में चालू है उसका अभी। आप किसे देखते हो, अमर काय या रामदास तड़स? और रामदास काय भी है और अमर काय, उसके आगे में क्या होता वो हमको थोड़ा है, अभी पब्लिक के ऊपर है ना सब। आप किसे आपका जो मत देना चाहोगे? अभी अमर काय की तरफ है। अमर काय क्यों? क्योंकि अभी वो नया नया सरकार आना चाहिए, इसलिए वो अमर काय का ही चाह रहा हूँ। सरकार चाहिए, नई सरकार चाहिए, इसलिए अमर काय। ठीक है, अब हम यहाँ जानते हैं नुक्कड़ पे जो चाय बन रही है उनसे जानते हैं कि आपके यहाँ बहुत से लोग आते हैं, चाय पीते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल है, चर्चाएं होती है, आप आपका अगला सांसद किसे देखते हैं? अब लोग तो बोलते थे अभी नए इसको देने का मतदान इस साल में, अब ये अमर काय को देने का बोल रहे हैं। अमर काय क्यों? क्यों बोले तो बदलाने का अभी, इसलिए बदलाने का, ऐसा इनका कहना है, बदलाव देखना चाहते हैं। काकू आप क्या बताओ? मैं तो ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि अभी जो भी महंगाई बढ़ रही है, कुछ भी सस्ता नहीं है, और अपने बच्चों को कोई नौकरी नहीं लग रही है, कुछ नहीं, इस सरकार से पूरे परेशान, वो सिर्फ अनाज देता है वो मोदी सरकार, बाकी तो कुछ भी नहीं देता ना, पूरी महंगाई बढ़ा के रख दिया, कुछ भी नहीं, इसलिए सरकार अभी बदलनी चाहिए। ये बताइए, सरकार बदलनी चाहिए, अगर अकेले अमर काय आ गए तो आपको सब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ सुविधा मिल जाएगी ना, अपने को नहीं मिला तो चलता, लेकिन आगे की जो पीढ़ी है उनको तो सुविधा हो ना, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में भी सुविधा नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, बच्चों से हम परेशान हैं, हमारे बच्चों को नौकरी। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। आप वोटिंग करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अमर काय। क्यों अमर काय? हो गए 10 साल बीजेपी के, महंगाई भी बढ़ गई, सब बातों से लोग परेशान हैं,
इस वजह से। आपने बताया कि उम्र भी हो गई है, रामदास जी की उम्र भी हो गई, आप घर पे आराम करने को ना, वो अपने घर का ही निर्णय नहीं लगा सक रहे, अपने फैमिली मैटर नहीं सुलझा रहे, तो लोगों के क्या मैटर सुलझाएंगे। इस वजह से फैमिली मैटर जो है रामदास तरस नहीं सुलझा रहे, इसलिए लोगों को लगता है कि अमर काय ये नया युवा चेहरा है, इन्हें चुन कर लाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम जानते हैं। ये गांव है, ये वर्धा लोकसभा क्षेत्र में आता है, केजर, और यहाँ के लोगों की राय हम देख रहे हैं कि इन्हें परिवर्तन चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनकी राय देखते हैं, उनका उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ। ये जो है ये गाँव का बस स्टॉप है, यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, उनसे हम जानते हैं वो कहाँ से है, क्या बताओगे? मैं तो यहीं से थी, केलजर से, अभी मैं वर्धा में शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ। तो मतलब आपका लोकसभा क्षेत्र जो है वर्धा है, वर्धा है। आपको पता है यहाँ सेकंड फेज में जो है 26 अप्रैल को मतदान होना है, किसे आप सांसद देखना चाहते हैं? जिसके हाथ में अच्छी ये है, क्या बोलते हैं उसको, सब लोगों का जो अच्छे तरह से विचार करेगा, तो हम तो उसकी तरफ जाएंगे ना। अभी तक तो हमने बहुत परेशानी उठाई ली हमने, अभी तक ये पाँच साल के पहले, अभी हमारा ऐसा कहना है कि जो था पहले वही आने चाहिए था। अच्छा, जो पहले था वही अभी चाहिए? पहले यानी ये जो सरकार है, ये सरकार में हमने बहुत परेशानी उठाई है। तो फिर अभी रामदास तड़स है बीजेपी से और कांग्रेस से जो है मतलब तुतारी अलायंस में है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर अमर काय, तो किसे देखते हैं? हम तो अमर काय को चॉइस करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि उनका जो काम है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, हम उधर के छे, अमर काय के गाँव के से है हम, तो उनका जो काम है वो जो गरीबों के लिए करते है और करके उन्होंने दिखाया है, इसलिए हमको वही। बिल्कुल काकू, आप कहाँ से हो? वर्धा से, वो काड़े को, अमन काड़े को, क्योंकि वो गरीबों के लिए उन्होंने आज तक के जो अनुभव हमने जताया, तो वो सामने भी करेंगे, ऐसी हमको ये है उनकी इसीलिए। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं बस स्टॉप पे ही खड़े हैं, बस का शायद वो इंतज़ार कर रहे होंगे। लोकसभा क्षेत्र उनका भी वर्धा है, क्या बताओगे काका, आप किसे देखते हो अगला सांसद? तुतारी को देखेंगे। हाँ, ये 10 साल हो गया ना, चुन गया रामदास तड़स मोदी, ये उसने इतने लोग परेशान है क्या, भयानक है। 10 साल में एक भी बार रामदास तड़स से आकर किसी को मिला नहीं, बेचारे गरीब का भला किया नहीं कुछ, इतना कंपनी आए जगह आए, कंपनी खोला नहीं, लिखे पढ़े लड़के बस्ती में घूम रहे ऐसे चोरों समान, उनकी कोई इज्जत नहीं, निवड़ के देने में क्या फायदा उसमें। हम तो नए आदमी देखेंगे ना, हम तुतारी देखेंगे अभी, तो ये तुतारी देखना चाहते हैं। यहाँ पर और एक काका है, उनसे हम जानते हैं कि आप किसे अगला सांसद देखते हैं? हम राहुल गांधी को देखेंगे। आप क्या सेना हो, तुतारी को देखेंगे, अमर काय को ही देखेंगे। पीएम जो है राहुल गांधी देखना? बिल्कुल बिल्कुल, पीएम। ऐसा क्यों? पीएम राहुल गांधी या खड़गे, दोनों में से दोनों भी लायबल है। यह पंतप्रधान तो अभी जब मोदी है तो इसके लायक नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर में शेतकड़ी को और काश्तकार को कुछ भाव मिला नहीं है। NSP मांग रहे हैं तो NSP भी नहीं दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये भीख के रूप में दे रहे हैं, और कुछ 10 साल में खाली क्या किया इन्होंने, रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोगों को, लोग खाएंगे कहाँ से? लोगों को पहले काम दो, लोगों का पेट भरेगा तो आपका पेट भरेगा, ये तो सब सीधा सीधा ही है ना। तो आप अमर काय ने सांसद देखना चाहते हो? बिल्कुल, ठीक है। और भी यहाँ पे लोग हैं, एक बुजुर्ग काका जी है, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कई चुनाव देखे होंगे अपने ज़माने में, अपने उम्र के जो उनका उम्र है उससे लगता है, क्या बताओगे काका, आप किसे आपका सांसद देखते हो अगला? अब तो बताए ना भाई, नहीं 10 साल हो गया, क्या किया? ये तरस निवड़ के आ गया है तो क्या किया, किन काम किया वर्धन ने? कोई काम की नहीं किया, कोई काम का नहीं है। हाँ, मोदी ने सब आश्वासन दिया काश्तकारों को, सब मुर्दाबाद कर दिया, अब भीख मांगने को तैयार किया, अब क्या करेंगे? एक बार तो बदली देना ही पड़ेगा। अच्छा, जिन कहा गए
तू हमारे मुंह से लगा रहे तो अच्छे दिन कहाँ गए? आप अगला सांसद किसे देखते हो? हम किसी भी देखेंगे, अच्छे दिन हमको आया ही नहीं तो क्या बताऊंगा तेरी का भाई। आप आपका अगला सांसद किसे देखना चाहते हो क्या बताओ? बीजेपी। बीजेपी के? हाँ। अच्छा आपको पता है बीजेपी से कौन है अभी उम्मीदवार? उम्मीदवार अभी रामदास तड़सेना है। हाँ। क्यों उन्हें देखना चाहते हो? अरे अपने जात भाई है ना वो। आपने अभी बताया तड़स, तड़स को आप जात भाई है इसलिए चुन कर देना चाहते हो, तो बस जात भाई है इसलिए दे देना आप दे एक मिनट आप दे, हम देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि रामदास तड़स यहाँ आए ही नहीं। आए नहीं तो क्या आए, ये क्या है इतने बड़े बोर्ड लगा है ना यहाँ पे, आए ना काम किया ना कुछ ना कुछ तो काम किया है ना फिर। तो आपके जात भाई है तो उन्हें वोट कर दिए तो हो गया आपका काम हो जाएगा ना? हो जाएगा क्यों नहीं हो जाएंगे? आप किसे आपका अगला सांसद देखते? तुतारी मावली यहाँ ना 15 वर्ष झाले निवून की तू उभा झाला आमदार रामदासजी तळस याने कोणतं काम केलं? कोणतं काम केलं 15 वर्ष झाले तर काहीच नाही केलं। लोक चपला मारायला पाहिजे चपला। किसे किसे बनाना चाहोगे आप? मैं तुतारी कांग्रेस। आपको पता है आपके यहाँ से तुतारी पर कौन है और बीजेपी से कौन सा उम्मीदवार है? अमर काळे तुतारी बीजेपी रामदासजी तळस है बरबर। ठीक है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है लोग जो है परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं और इन्हें जो है परिवर्तन चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, उन्हें क्या लगता है उनका अगला सांसद कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हम उन्हीं से जानते हैं। चलिए मेरे साथ क्या बताओगे आप किसे आपका अगला सांसद देखना चाहते हो? के बारे में अभी तो नहीं बता सकते। अब क्यों नहीं बता सकते? अभी देखेंगे, अभी वोटिंग के दिन देखेंगे अभी। हाँ बिल्कुल वोटिंग के दिन देखेंगे। आपके आपको पता है आपके यहाँ से कौन उम्मीदवार है? तड़स। तड़स है और काले। तो इन दोनों में से आप किसे पसंद करते हो? काले को। अच्छा अमर काले जो महाविकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के, क्यों? उनका काम अच्छा रहा पिछले बार, पिछले थे ना उस समय। अच्छा तो वो विधायक के तौर पर थे तो उनको जो विधायक थे तो उनका काम अच्छा लगा इसलिए आप उनको चुन कर देना? नहीं वैसा कुछ नहीं, अभी टाइम पे चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप वोटिंग करते हो? हाँ। अच्छा तो अब अगला सांसद किसे देखते हो आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी? उसने हमारी राम मंदिर बनाया। अच्छा तो राम मंदिर बनाया वो अयोध्या में बनाया, यहाँ से सांसद आपके जो है विद्यमान सांसद रामदास तड़स है, उन्होंने क्या किया यहाँ? कुछ भी नहीं किया है। तो भी? हाँ। तो मंदिर कहीं बन जाएगा आप यहाँ पे सांसद चुन कर दोगे, ऐसा क्यों? हमारे लिए वही चाहिए, हमको वही चाहिए था ना, हमको वही चाहिए था पहले से। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हुए तो भी मतलब हुए है काम? वैसे भी नहीं हो रहे ना, वैसे भी नहीं हो रहे। आपका कहने का मतलब है जो सांसद है वो काम ही नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, क्या कर रहे? फिर क्यों उन्हें चुन कर देना चाहते हो? आप तो यंग हो, यूथ हो। वो तो है फिर भी रामदास तड़स मतलब कमल। हाँ। यहाँ पे कुछ युवक और युवतियाँ हैं उनसे हम जानेंगे वो वोटिंग करते हैं वो कहाँ से है। आप वोटिंग करते हो? यस। अच्छा कहाँ से हो आप? वर्धा। मतलब आपको पता है आपके यहाँ अभी चुनाव होने हैं कुछ ही दिनों में, किसे आप अगला सांसद देखते हो आप? ऐसे तो कुछ नहीं पर आम आदमी पार्टी को देखते हैं हम, क्योंकि हम यूथ है करके। हाँ यूथ हो इसलिए आम आदमी पार्टी को देखते हो? क्योंकि वो पढ़े लिखे ही है इसलिए। मैं कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? क्योंकि कुछ साल बाद सत्ता बदलनी चाहिए। आपको पता है आपके यहाँ से सांसद जो है वो महाविकास आघाड़ी के जो कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र। हाँ तो उन्हें क्यों चुनकर लाना चाहते हो? क्योंकि चेंज चेंज होना चाहिए, अभी इतने दिन हो गए लेकिन कुछ विकास दिखा नहीं, इसलिए चेंज तो होना ही चाहिए ना। तो ये था लोकसभा वर्धा क्षेत्र का केळझर गांव और यहाँ पर हमने जाना लोग किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। तो हमने सुनी लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आप सबको बता दें कि 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने हैं, उससे पहले
जो है हमने यहाँ का जनमत जानने की कोशिश की। आज हम आए थे केरजर, वर्धा लोकसभा क्षेत्र के केरजर में, और यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी। और भी इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको और भी जगह लेके जाएंगे और वहाँ के लोगों की जो जनमत है, लोगों का जनमत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बीसीएन के साथ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, केरजर।